हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह दोस्तों, जय हिंद। आज हम कक्षा 12 की जो सृजन पुस्तक है उसका पहला पाठ, जिसमें कबीर जी के दोहे पढ़ रहे थे, उनमें चार दोहे पहले के वीडियो में मैंने कंप्लीट किए हैं। तो अगले तीन वीडियो बचे हैं जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पांचवा दोहा है, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। निष्फल का अर्थ है बेकार। निष्फल का अर्थ क्या है? बेकार, मतलब जिसका कोई फल नहीं है। पारस एक पत्थर होता है जिसकी खूबी ये होती है कि इसके छू जाने से लोहा भी क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। किसके टच करने से, किसके स्पर्श होने से? पारस पत्थर के स्पर्श होने से, छू जाने से। परस का अर्थ है छूना और कंचन का अर्थ क्या है? सोना। कबीर जी कहते हैं, मतलब इसमें किसका महत्व बताया गया? संगत का। जैसे संगति होगी वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छी संगति होगी तो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरी संगति होगी तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। संगति का महत्व बताया गया, संगति की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीर जी कहते हैं कि संत जनों की संगति कीजिए, संगति कीजिए साधु की, संगत कीजिए साधु की, संत जनों की संगति कीजिए, उनकी संगति कभी निष्फल नहीं रहती है, कभी न निष्फल होए। किनकी संगति निष्फल नहीं होती? साधुओं की, सज्जन व्यक्तियों की जो संगति है वो कभी निष्फल या बेकार नहीं रहती, अर्थात उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। जिस प्रकार लोहा भी पारस पत्थर के स्पर्श से सोना बन जाता है, वैसे ही हमें भी सत्संगति से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। अगला है, मारिए आशा सांपनी, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। मारिए मतलब मारना, आशा का अर्थ है यहाँ पर किसी से कुछ अपेक्षा रखना, किसी से कुछ उम्मीद रखना, अपेक्षा रखना, या हम कह सकते हैं उम्मीद। आशा का तात्पर्य है यहाँ पर किसी से कुछ अपेक्षा रखना, उम्मीद रखना। सांपनी मतलब सर्पणी या नागिन, जिन डसिया संसार, डसिया का अर्थ है डसना या दुखी करना। जो आशा रखता है किसी से वो दुखी रहता है, क्योंकि वो आशाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। ताकि मतलब उसकी, औषध मतलब दवा, औषध का अर्थ क्या है? दवा। तोष का अर्थ है यहाँ पर संतोष, संतोष का भाव, संतोषी स्वभाव। यहाँ पर आशा को सर्पणी के समान बताया गया है। आशा मतलब किसी से कुछ अपेक्षा रखना, ये जो भाव होता है ना, इसको किसके समान बताया गया? सर्पणी, नागिन के समान बताया गया है। कबीर जी कहते हैं कि हमें आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए। मारिए आशा सांपनी, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, कि हमें आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए। जिसने, जिन डसिया संसार, जिसने सारे संसार के लोगों को क्या कर रखा है? दुखी कर रखा है, या जिसने सारे संसार को डस लिया है, अर्थात दुखी कर दिया, व्यथित कर दिया है, परेशान कर दिया है। किसने? आशा रूपी सर्पणी ने। आशा मतलब किसी से अपेक्षा रखना। हम जब किसी से अपेक्षा रखते हैं और वो अपेक्षा जब पूरी नहीं होती तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। इसी बात के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हमें इस आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए, क्योंकि इसने सारे संसार को क्या कर रखा है? दुखी कर रखा है। इस आशा रूपी सर्पणी से बचने की एक ही दवा और गुरु मंत्र है, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार, कि इस आशा रूपी सर्पणी से बचने की एकमात्र दवा और गुरु मंत्र क्या है? वह है संतोषी स्वभाव का बने रहना। जो गुरु मंत्र है, या हम दवा कह सकते हैं, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ संतोषी स्वभाव का बने रहना। संतोष कर लो बस, किसी से कुछ भी उम्मीद मत करो,
क्योंकि संतोषी स्वभाव का व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट बना रहता है। इसका रिपीट करता हूं मैं, कबीर जी कहते हैं कि हमें आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए। जिसने सारे संसार को दुखी कर रखा है, इस आशा रूपी सर्पणी से बचने की एक ही दवा और गुरु मंत्र है, और वह है संतोषी स्वभाव का बने रहना। किसी से कुछ भी उम्मीद मत करो, क्योंकि संतोषी स्वभाव का व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट बना रहता है। अगला देखते हैं, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कागा मतलब कौवा, कागा का अर्थ है कौवा। काको मतलब किसका, काको का अर्थ है किसका। हरे का मतलब हरता है या छीनता है, छीनना कह सकते हैं हरे का। कोयल मतलब कोयल, काको मतलब वही किसका, देत मतलब देता है। जग का अर्थ है संसार, जग का अर्थ है संसार, ये इसमें डिफिकल्ट वर्ड थे। इसमें कोयल और कौवे के माध्यम से मधुर वाणी का महत्व बताया गया है। कबीर जी कहते हैं कि कौवा किसका धन छीन लेता है, कागा काको धन हरे। कागा काको धन हरे मतलब कौवा किसका धन छीन लेता है, और कोयल काको देत, और कोयल किसको धन दौलत लुटा देती है। जिससे लोग कौवे को पसंद नहीं करते और कोयल को पसंद करते हैं। मतलब ये कारण नहीं है कि कौवा तो किसी का धन छीन लेता है और कोयल धन दौलत लुटा देती है, इसके पीछे ये कारण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतर केवल वाणी का है, अंतर केवल वाणी का है। कोए की कांव कांव की ध्वनि लोगों को पसंद नहीं है, जबकि कोयल अपनी मीठी वाणी से सारे संसार को अपना बना लेती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें भी मधुर वाणी बोलनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम तुलसीदास जी के दोहे देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।